आज के इस वीडियो में मैं एक किताब का रिव्यू करने वाला हूँ। बहुत समय से आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर, स्वामी विवेकानंद जिन्हें आज की युवा पीढ़ी अपना आदर्श मानती है, लेकिन वो तो बहुत बड़े जातिवादी तथा कट्टर हिंदूवादी धर्मगुरु थे, तो फिर आज की युवा पीढ़ी एक जातिवादी तथा कट्टर हिंदूवादी धर्मगुरु को अपना आदर्श कैसे मान सकती है। वैसे आप लोगों का प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे देश के अनेक युवा स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं, कुछ युवा स्वामी विवेकानंद को बहुत बड़ा जातिवादी मानते हैं। मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप लोगों में से कितने लोगों ने स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा पढ़ी है? मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा पढ़ी है, क्योंकि आप लोगों ने स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा अगर पढ़ी होती तो आपके दिमाग में यह प्रश्न कभी नहीं आता। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में दूसरे लोगों के मुंह से सुना है, इसीलिए आपके दिमाग में यह प्रश्न आया है। कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है विवेकानंद की आत्मकथा। बुक हिंदी में है और इसमें मैं आपको कुछ विशेष तथ्य बताने वाला हूं, जैसे स्वामी विवेकानंद दलितों के बारे में क्या सोचते थे, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म सभा में क्या कहा था, इन विषयों पर मैं विस्तार से बात करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो नजरिया है स्वामी विवेकानंद के संबंध में वह पूरा बदल जाएगा। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक की लिंक मैं दे दूंगा, तो वहां से इस बुक को आप मंगवा सकते हैं। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं जिस बुक का इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं वो ये बुक है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको, और अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह इसकी लिंक मैं दे दूंगा, तो वहां से जाके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। और ये है स्वामी विवेकानंद की फोटो, आप ध्यान से देख लीजिए, इसी बुक के अंदर ये फोटो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं यहां से। पहली लाइन है कि सन्यासी का जन्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए होता है। ये बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। आप जानते हो ये किसका सूत्र है, इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अधिक से अधिक लोगों के कल्याण एवं सुख के लिए भगवान बुद्ध ने यह जो सूत्र है अपने शिष्यों को दिया था, और इसी सूत्र का प्रयोग स्वामी विवेकानंद ने किया, और इसी सूत्र का प्रयोग महर्षि अरविंद घोष ने किया, और इसी सूत्र का प्रयोग एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है BSP, उसने भी इसी सूत्र का प्रयोग किया था। हालांकि अब उस पार्टी ने बदल के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय कर दिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, चलिए आगे बात करते हैं। जो जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो सब मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो जो हाईलाइट किया है वही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग पेज देख लीजिए, पेज नंबर है 22, तो पेज नंबर 22 से मैं शुरुआत कर रहा हूं। यहां पे क्या लिखा है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी एक रात कमरे का दरवाजा बंद करके ध्यान करते करते एकदम से तल्लीन हो गया। कितनी देर तक मैं उस तरह बेसुध ध्यान में लीन रहा बता नहीं सकता। ध्यान शेष हुआ फिर भी उसी मुद्रा में बैठा रहा। ऐसे में कमरे की दक्षिणी दीवार भेद कर एक ज्योतिर्मय मूर्ति प्रकट हुई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर अद्भुत कांति झलक रही थी, फिर भी मानो कोई भाव ना हो। महाशांत सन्यासी मूर्ति मुंडित मस्तक हाथ में दंड और कमंडलू। कुछ देर वे मेरी तरफ एक टक देखते रहे। उस समय उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वे मुझसे कुछ कहना चाहते हों। मैं भी अवाक दृष्टि से उनको निहारता रहा। अगले ही पल मन मानो किसी खौफ से भर उठा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल आया। बाद में खेद हुआ कि
मूर्खों की तरह डर कर मैं भाग क्यों खड़ा हुआ। वे शायद मुझसे कुछ कहते, लेकिन उस रात के बाद उस मूर्ति के कभी दर्शन नहीं हुए। कई बार मेरे मन ने कहा कि अगर दोबारा उस मूर्ति के दर्शन हुए तो मैं डरूंगा नहीं, उनसे बात करूंगा, लेकिन फिर कभी वह मूर्ति नजर नहीं आई। मैंने बहुत सोचा मगर कोई कूल किनारा नहीं मिला। अब मुझे लगता है कि उस रात मैंने भगवान बुद्ध के दर्शन किए थे। आप लोग जानते हो जब स्वामी विवेकानंद पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त का मामला है ये, उन्हें उस वक्त ऐसा लगा कि भगवान बुद्ध के दर्शन हुए हैं, लेकिन वो डर गए। फिर उन्होंने सोचा कि अब अगर दोबारा से ऐसा होता है तो मैं डरूंगा नहीं, उनसे बात करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं जिस संप्रदाय में शामिल हूं उसे कहते हैं सन्यासी संप्रदाय। सन्यासी शब्द का अर्थ है जिस व्यक्ति ने सम्यक रूप से त्याग किया हो। यह अति प्राचीन संप्रदाय है। ईसा के जन्म से 560 वर्ष पहले महात्मा बुद्ध भी इसी संप्रदाय में शामिल थे। आपको यहाँ पे क्या समझ में आया? साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ये कह रहे हैं कि मैं जिस संप्रदाय में शामिल हूँ उसका नाम है सन्यासी संप्रदाय, और ये बहुत प्राचीन संप्रदाय है, और इसी संप्रदाय में कौन शामिल थे? महात्मा बुद्ध भी इसी संप्रदाय में शामिल थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं स्वामी विवेकानंद ने ही कही है अपनी आत्मकथा में। आगे लिखा है वे अपने संप्रदाय के अन्यतम संस्कारक भर थे। पृथ्वी के प्राचीनतम ग्रंथ वेद में भी आप लोगों को सन्यासी का उल्लेख मिलेगा। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार पृथ्वी के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। आप यहाँ पे ध्यान से इस बात को समझना, सबसे प्राचीनतम वेद हैं। किसके अनुसार? स्वामी विवेकानंद के अनुसार। लेकिन वेदों में भी सन्यासी का उल्लेख मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सन्यासी बहुत प्राचीन है, वेदों के समय के हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मकथा में कहा है। मैं बार बार आप लोगों से ये कहता हूं कि गौतम बुद्ध से भी पहले बुद्ध हुए हैं, उनका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है, फाहियान के यात्रा विवरण में किया गया है, वंशों के यात्रा विवरण में किया गया है, भरहुत स्तूप पे किया गया है, उनके ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। फिर भी लोग बार बार ये कमेंट करके पूछते हैं कि गौतम बुद्ध से पहले भारत में किसकी पूजा होती थी। गौतम बुद्ध से पहले भारत में समण संस्कृति का प्रचलन था, और उस समण संस्कृति में अनेक गुरु हुए हैं। खैर, आज का विषय ये नहीं है, इस विषय पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। तो अब यहां से आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि स्वामी विवेकानंद सन्यासी संप्रदाय में शामिल थे, और सन्यासी संप्रदाय में ही महात्मा बुद्ध भी शामिल थे। अब बात करते हैं पेज नंबर 101 की। यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े जातिवादी व्यक्ति थे। उनके लिए मैं दो उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ, एक उदाहरण ये है और एक उदाहरण मैं और आगे दूंगा। लिखा है कि एक दिन मैं पैदल आगरा से वृंदावन की ओर जा रहा था। पास में कानी कौड़ी नहीं थी, यानी कि पास में पैसे नहीं थे। वृंदावन पहुंचने में प्रायः एक कोस से ज्यादा की दूरी थी। सड़क के किनारे एक आदमी बैठा तमाकू पी रहा था। उसे देखकर मेरे मन में भी तमाकू पीने की चाह जाग उठी। मैंने उस आदमी से कहा, क्यों भाई, चिलम जरा मुझे भी देगा? वह आदमी अचकचा गया। उसने कहा, महाराज हम भंगी यानी मेहतर हैं। संस्कार जो था यह सुनकर मैं पीछे हट गया और तमाकू पिए बिना ही मैं दोबारा चल पड़ा। कुछ ही दूर जाकर मुझे ख्याल आया, सच ही तो संन्यास लिया है, जाति कुल मान सब छोड़ चुका हूं। फिर भी जैसे ही उस आदमी ने अपने को मेहतर बताया, मैंने पैर पीछे हटा लिए। उसका छुआ हुआ तमाकू मैं नहीं पी सका। यह ख्याल आते ही मैं बेचैन हो उठा। उस वक्त मैं एक फलांग रास्ता तय कर चुका था। मैं उल्टे पांव दोबारा उस मेहतर के पास पहुंचा। वह अभी भी वहीं बैठा हुआ था।
मैंने जाते ही कहा, मेरे बाप एक चिलम तमाकू भर ला। मैंने उसकी आपत्ति पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, तमाकू भरा चिलम तुझे देना ही होगा। बेचारा क्या करता, अंत में वह चिलम भर लाया। मैंने आनंद के साथ धूम्रपान किया और वृंदावन आ पहुंचा। अब आपको यहां से क्या समझ में आया? जैसे ही उस व्यक्ति ने अपनी जाति बताई स्वामी विवेकानंद को, तो पहले तो वो अचकचा गए क्योंकि ये एक परंपरा है। फिर उन्हें ध्यान आया कि मैं एक सन्यासी हूं, अपना कुल जाति सब कुछ छोड़ चुका हूं, फिर कैसा भेदभाव। जब उन्हें ये ख्याल आया तो वापस वो उस व्यक्ति के पास गए और उसी के हाथ का चिलम पिया। तो यहां पर जातिवाद कहां रहा? लेकिन वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि उस समय समाज में जातिवाद था। ये बात वो खुद स्वीकार कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं भी एक जातिवादी हूं और जाति को मानता हूं। अगर वो जातिवादी होते, जाति को मान रहे होते, तो वो उस व्यक्ति के हाथ का चिलम कभी नहीं पीते। ऐसा ही एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। मेरे भारत भ्रमण के दौरान एक स्थान पर अनेक लोग मेरे चारों ओर भीड़ लगाते थे और मुझे उपदेश देने को कहते थे। हालांकि यह विश्वास करना कष्टसाध्य है, वे लोग आते थे और लगातार 3-3 दिनों तक दिन रात मैं उन लोगों से बातें करने को लाचार हो जाता था। वे लोग मुझे पल भर के लिए भी आराम नहीं करने देते थे। यहां तक कि मैंने कुछ खाया भी है या नहीं, यह भी नहीं पूछते थे। तीसरी रात जब सब लोग चले गए, किसी छोटी जाति का कोई दरिद्र व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा, स्वामी जी, मैं देख रहा हूं कि आज 3 दिनों से आपने कुछ भी आहार नहीं किया है, यहां तक कि एक गिलास पानी तक नहीं पिया, इससे मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उस दीन आदमी के वेश में स्वयं भगवान ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने उससे पूछा, तुम क्या मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? उसने उत्तर दिया, स्वामी जी, देने के लिए तो मेरे प्राण आकुल व्याकुल हैं, लेकिन हमारे यहाँ की बनी हुई चपाती आप खाएंगे कैसे? मैं आटा दाल आदि ला देता हूँ, आप खुद बनाकर आहार कर लें। संन्यास आश्रम के नियम अनुसार उन दिनों में आग का स्पर्श नहीं करता था, इसलिए मैंने उससे कहा, तुम अपने हाथों बनाई हुई रोटी ही मेरे लिए ले आओ, मैं वही खाऊंगा। यह सुनकर वह आदमी बेहद डर गया। वह खेतड़ी के महाराजा की प्रजा था, इसलिए उसे डर था कि महाराजा अगर सुनेंगे कि मोची होकर उसने साधु को अपने हाथों पकाई हुई रोटी खिलाई है, तो वे उसे कठोर दंड देंगे और मुमकिन है उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दें। मैंने उसे आश्वासन दिया, तुम डरो मत, इसके लिए महाराज तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। लेकिन उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन दया बस वह अपने यहाँ की बनी रोटी मेरे लिए ले आया। वह रोटी खाकर मुझे ऐसा लगा कि देवराज इंद्र अगर सोने के पात्र में स्वर्गीय अमृत लाकर मुझे देते तो भी मैं इतना स्वादिष्ट नहीं लगता। उस आदमी की दया देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, दीन दरिद्र कुटीरों में ऐसा उदार हृदय हजारों हजार लोग निवास करते हैं, लेकिन हम सब उन लोगों को नीच जाति और अस्पृश्य कहकर घृणा करते हैं। बाद में जब खेतड़ी के महाराजा से मेरी जान पहचान हुई, तब मैंने उन्हें उस आदमी के महान कार्य के बारे में बताया। 2-4 दिनों में ही महाराजा ने उस आदमी को बुला भेजा। कोई बहुत बड़ी सजा पाने की आशंका से वह कांपते कांपते महाराजा के सामने हाजिर हुआ, लेकिन महाराजा ने उसके काम के लिए उसकी प्रशंसा की और वह आराम से जीवन यापन कर सके, इसका भी प्रबंध किया। यहां से आपको क्या समझ में आया? मैंने 2 उदाहरण दिए जातिवाद पर। आप लोगों को लग रहा है कि स्वामी विवेकानंद जातिवादी थे, तो ये आपकी गलती है।
ये बात मैं खुद ही स्वीकार कर रहा हूं कि उस समय जातिवाद था, आज भी हमारे देश में जातिवाद है। अगर स्वामी विवेकानंद जातिवादी होते तो वो उस मोची के हाथ का बना हुआ खाना कभी नहीं खाते। और इस बात की चर्चा उन्होंने खेतड़ी के महाराजा से भी की। खेतड़ी के महाराजा से क्यों की? क्योंकि वो व्यक्ति खेतड़ी के महाराजा की ही प्रजा था, इसीलिए उन्होंने इस बात की चर्चा की। महाराजा को जब पता चला तो महाराजा भी खुश हुआ, इतना महान आदमी, उसे बुलाया। बेचारा डरता हुआ गया कि पता नहीं महाराजा कौन सी सजा सुना दें। लेकिन महाराजा ने क्या किया, आराम से जीवन यापन कर सके इसका प्रबंध किया। स्वामी विवेकानंद दलितों के बारे में क्या सोचते थे, ये दो मैंने उदाहरण दिए। और आप ऐसा मत सोचना कि ये सब मैंने लिखा हुआ है, ये स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा है, उसमें लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ सकते हो। दरअसल हमारे अंदर कमी क्या है कि हम पढ़ते नहीं हैं, यही सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। आइए आगे बात करते हैं। कल मैं शहर के सबसे प्रभावशाली महिलाओं के फोर्ट नाइटली क्लब में बौद्ध धर्म पर भाषण देने जा रहा हूं। अब मेरे लिए योजना की सफलता की संभावना निश्चित लग रही है। शिकागो 2 नवंबर 1893। भगवान ने मुझे अनेक मित्र और सहायक दिए हैं। बोस्टन के निकटवर्ती एक गांव में डॉक्टर राइटर से मेरी जान पहचान हुई। वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में ग्रीक भाषा के प्रोफेसर हैं। उन्होंने मेरे प्रति अतिशय सहानुभूति दिखाई, धर्म सभा में जाने की विशेष अनिवार्यता जताई। उन्होंने कहा कि वहां जाने से समस्त अमेरिकी जाति से मेरा परिचय होगा। मेरा किसी से भी परिचय नहीं था, इसीलिए उन प्रोफेसर ने मेरे लिए सारे इंतजाम करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अंत में मैं दोबारा शिकागो चला गया। यहाँ एक सज्जन के घर में धर्म सभा के प्राच्य और पश्चिमी प्रतिनिधियों के साथ मेरे भी रहने सहने का प्रबंध हो गया। महासभा शुरू होने वाले दिन हम सब शिल्प प्रासाद यानी आर्ट पैलेस नामक कोठी में इकट्ठे हुए। वहां महासभा के अधिवेशन के लिए एक विशाल हॉल और कई छोटे छोटे अस्थाई हॉल बनवाए गए। यहाँ सभी जाति के लोग जमा हुए थे। ब्रह्मा समाज के प्रताप चंद्र मजूमदार और बंबई के नागरकर भारत से आए थे। वीरचंद गांधी जैन समाज के प्रतिनिधि के रूप में और एनी बेसेंट और चक्रवर्ती थियोसोफी के प्रतिनिधि आए थे। उनमें से मजूमदार से तो मेरा पहले से ही परिचय था और चक्रवर्ती मुझे नाम से जानते थे। घर से शिल्प प्रासाद तक हमें जुलूस की शक्ल में ले जाया गया और हम सभी को मंच पर कतार में बिठा दिया गया। जरा कल्पना कर देखो, नीचे एक हॉल और ऊपर एक प्रकांड गैलरी। उस गैलरी में अमेरिका के सुशिक्षित समाज के चुने हुए 6-7 हजार पुरुष स्त्री आपस में सट कर बैठे हुए थे और मंच पर संसार के सर्वजातीय पंडितों का समावेश था। और मैं, जिसने जीवन में कभी किसी आम व्यक्ति के सामने व्याख्यान नहीं दिया, वह इस महासभा में व्याख्यान देने वाला था। संगीत व्याख्यान वगैरह कार्यक्रम यथारीति धूमधाम से संपन्न हुआ। उसके बाद सभा आरंभ हुई। तब एक एक प्रतिनिधि को सभा के समक्ष परिचित कराया गया। उन लोगों ने भी आगे बढ़कर कुछ कुछ कहा। हाँ, मेरी ही छाती धड़क रही थी और जुबान सूख गई थी। मैं तो इस हद तक घबरा गया था कि दोपहर से पहले व्याख्यान देने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मजूमदार बढ़िया बोले, चक्रवर्ती ने तो और भी बढ़िया भाषण दिया, खूब तालियां बजी। वे सभी लोग अपना अपना भाषण तैयार करके लाए थे। मैं मंद बुद्धि मूर्ख, मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया था। देवी सरस्वती को प्रणाम करके मैं आगे बढ़ा। डॉक्टर बारोज ने मेरा परिचय दिया। मेरा गेरुआ वस्त्र देखकर दर्शक मेरी ओर पहले से ही थोड़ा बहुत आकर्षित हो उठे। अमेरिका वासियों को धन्यवाद देकर और दो एक अन्य बातें कहकर मैंने एक छोटा सा भाषण दिया।
जब मैंने अमेरिका वासी बहनों और भाइयों कहकर सभा को संबोधित किया तो 2 मिनट तक ऐसी तालियां बजी के कान बहरे हो आए। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया। जब मेरा बोलना खत्म हुआ तो हृदय के आवेग के मारे अवश होकर मैं एकदम से बैठ गया। अगले दिन सभी अखबारों ने कहा कि उस दिन मेरा व्याख्यान ही सबके मन को छू गया। अस्तु, उस दिन समस्त अमेरिका मुझे जान गया। श्रेष्ठ श्रीधर ने सच ही कहा है, मोकं कारोति वाचालम्। भगवान गूंगे को भी महावक्ता बना देते हैं। भगवान के नाम की जय हो। उसी दिन हॉल में इतने श्रोता जमा हुए कि जितने कभी नहीं हुए। एक अखबार में छपे हुए कुछ अंश में उद्धृत कर रहा हूं। महिला महिला महिला, केवल महिला, पूरी जगह भरी हुई थी, कहीं कोई कोना तक खाली नहीं रहा। विवेकानंद के भाषण से पहले जो सब लेख पढ़े गए वे दिलचस्प ना भी हों, फिर भी लोग सिर्फ विवेकानंद का भाषण सुनने के लिए अतिशय सहनशील होकर बैठे रहे इत्यादि। अखबारों में मेरे बारे में जो बातें प्रकाशित हुई हैं वह सब मैं अगर तुम्हें काट कर भेज दूं तो तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन तुम तो जानते ही हो नाम यश से मैं घृणा करता हूं। इतना भर जानना ही यथेष्ट होगा कि जब भी मैं मंच पर खड़ा होता था मेरे लिए कानों को बहरा कर देने वाली तालियां गूंज उठती थी। लगभग सभी अखबारों ने मेरी बेहद प्रशंसा की। बेहद दकियानूस लोगों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि इस सुदर्शन तेजवान बलशाली अद्भुत वक्ता ने ही महासभा में श्रेष्ठ आसन अधिकार किया है, वगैरह वगैरह। तुम लोगों के लिए इतना भर जानना ही काफी होगा कि प्राच्य देशीय कोई भी व्यक्ति अमेरिकी समाज पर अपना प्रभाव विस्तार नहीं कर पाया। अमेरिकी लोगों की मेहरबानी के बारे में मैं क्या कहूँ। अब मुझे कोई अभाव नहीं है, मैं बेहद सुख में हूँ और यूरोप भ्रमण के लिए जो खर्च चाहिए वह मुझे यहीं से मिल जाएगा। यहाँ मुझे घर के किराए या खाने पीने में एक पैसा भी नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो इस शहर के अनेक सुंदर घरों में मैं रह सकता हूँ। यहाँ मैं लगातार किसी न किसी का अतिथि बना रहता हूँ। यह बात दिनों दिन मेरी समझ में आती जा रही है कि प्रभु मेरे साथ साथ हैं और मैं उनके आदेश का अनुसरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी इच्छा ही पूरी होगी। यह पत्र खेतड़ी के महाराजा साहब को भेज देना और इसकी चर्चा मत करना। हम सब जगत के लिए अनेक महत्व कार्य करेंगे, वह भी निस्वार्थ भाव से करेंगे, नाम यश के लिए नहीं। कहना ही होगा, ढेर सारे भाव बेहद कम शब्दों में व्यक्त करना एक विशेष कला है। यहाँ तक कि मणिलाल द्विवेदी के प्रबंध की भी काफी काट छांट करनी पड़ी थी। प्रायः 1000 से भी अधिक पेपर पढ़े गए, लेकिन उन लोगों के आए बाएं लेखन सुनने का समय नहीं था। अन्यान्य वक्ताओं को आमतौर पर आधा घंटा समय दिया गया था, उनकी अपेक्षा मुझे काफी ज्यादा वक्त दिया गया था, क्योंकि श्रोताओं को रोक रखने के लिए लोकप्रिय वक्ताओं को सबसे आखिर में रखा जाता था। वैसे भी मेरे प्रति उन लोगों की अतिशय सहानुभूति थी और उन लोगों के धैर्य के भी क्या कहने। भगवान उन पर अपना आशीष बरसाए। प्रातः 10 बजे से लेकर वे लोग रात 10 बजे तक बैठे रहते थे। बीच में केवल खाना खाने के लिए आधे घंटे की छुट्टी होती थी। इस बीच लगातार अलग अलग प्रबंधों का पाठ होता रहता था। उनमें से अधिकांश ही फिजूल और सारहीन होते थे, लेकिन श्रोता अपने प्रिय वक्ताओं के व्याख्यान सुनने की
प्रतीक्षा में इतनी देर बैठे रहती थी। सिंघल के धर्मपाल भी उन लोगों के अन्यतम प्रिय वक्ता थे। वे बेहद प्रेमी जीव हैं और इस महासभा के अधिवेशन के समय हमारी खूब घनिष्ठता हो गई है। इस देश में व्याख्यान देना बेहद फायदेमंद कारोबार है। बहुत बार इसमें प्रचुर रुपए मिलते हैं। मिस्टर इंगरसोल को हर व्याख्यान के लिए $500 से $600 तक मिलते हैं। वे इस देश के सबसे प्रसिद्ध वक्ता हैं। तो अब आपको समझ में आया कि स्वामी विवेकानंद ने अपनी आत्मकथा में निचले वर्गों के प्रति वो क्या सोचते थे उसकी भी चर्चा की, और अमेरिका में उनके साथ क्या क्या हुआ उसकी भी इस आत्मकथा में चर्चा की गई है, और भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने जो जो पाया उसकी भी इस आत्मकथा में उन्होंने चर्चा की है। महासभा में उनके साथ क्या हुआ इसकी भी उन्होंने चर्चा की है। अंत में बस मैं इतना ही कहूंगा स्वामी विवेकानंद के बारे में, वो सारे धर्मों का सम्मान करती थी। सनातन धर्म की भी उन्होंने बात की, बौद्ध धर्म की भी उन्होंने बात की, और इसका उल्लेख उनकी आत्मकथा में ही किया गया है। आप स्वयं पढ़ सकते हो, सनातन धर्म पर भी उनके लंबे लंबे व्याख्यान हैं, लेकिन किसी के भी प्रति उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया। किसी भी अन्य धर्म के प्रति उन्होंने कोई गलत शब्द नहीं बोले। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह है मैंने लिंक दे रखी है, तो वहां से आप इसको मंगवा सकते हैं। और आपका अगर इस संबंध में कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।